तो ये भाई लोग राजस्थान से निकल रहे हैं अभी। चलिए फिर हम और ईशे जा रहे हैं थोड़ा सा की मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने, यहाँ की काजा की। क्यों ईशे? काजा मोनेस्ट्री, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, की मोनेस्ट्री बोला मैंने, काजा मोनेस्ट्री जा रहे हैं क्योंकि हमने घूमा नहीं काजा मोनेस्ट्री। और अभी जो है हमारे साथी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, जब तक वो रिलैक्स नहीं करेगा तब तक हम लोग तो नहीं निकलने वाले। बट मेरा तो मानना था कि अगर हम लोग निकल जाते इस हाई एल्टीट्यूड से तो ज़्यादा नॉर्मल हो जाता वो, बट ठीक है, फिर भी जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक नहीं निकलेंगे। इट्स डे 6 आई थिंक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। मोनेस्ट्रीज का क्या मतलब होता है, किस लिए होती है मोनेस्ट्रीज? मोनेस्ट्री गोम्पा मंग सदन, जो लामा लोग, लामा नहीं होते लामा, हाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, और ऐसा कुछ जैसे मंदिर टाइप होता है क्या ये? हाँ मंदिर ही है हमारे तो। अब हाँ हम लोगों का तो मंदिर होता है, मतलब उसमें भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। तो यार मैं टोपी लाना भूल गया, बहुत ठंड है यहाँ पे, ऐसी गलती आप मत करें। टोपी जरूर पहने, ग्लव्स तो लिए। ये आप सामने देख सकते हो मुनेश जी। हाँ चलिए अंदर चल के बात करते हैं। ये हमेशा विलन लाया ये लड़का, ये देख सकते हो आप पहाड़ी कुत्ते, ये बड़े प्यारे होते हैं, बड़े बड़े बाल इनके। ये है आपकी काजा सिटी जो कि अभी ओपन नहीं हुई है, आप देख सकते हो। हाँ काजा द ब्यूटीफुल सिटी, अमेजिंग व्यू ऑफ मॉर्निंग। सॉरी मेरी जुबान बार बार लड़खड़ा रही है ना, तो जम सी गई है। जैसे आप बर्फ खाते हो यार तो जुबान मोटी हो जाती है और बोला नहीं जाता, वैसा हुआ ऐसे मेरे साथ। बस चाय के बाद काफी आराम है, बता। अच्छा उस साइड से आ रहे हैं तो उस साइड से घुमाएंगे। अच्छा हमेशा राइट को घुमाते हैं इसको। ओके ये देखो फिर से आएंगे, इसको हमेशा हर कोई घुमाते हुए जाता है। अच्छा साइन ऑफ ब्लेसिंग और गुड लक कि आप जो काम करने जा रहे हो वो काम आपका अच्छा होगा। तो कैसा लगा आपको काजा का सिटी टूर, ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ईशे देख रहा होगा आपको कमेंट सेक्शन में, हाँ कि उसकी सिटी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा ये झंडा किसने बनाया है, ये झंडा और ये नवोदय लिखा हुआ है जो? ये नवोदय तो नवोदय वालों ने बनाया है। अच्छा अब तो नवोदय शिफ्ट हो गया, मतलब लरी में। लरी में ओके, तो ये झंडा किसने बनाया फिर? ये तो हमारे यूथ के बंदों ने बनाया। तो ये बनाया कैसे है? पेंट से, पेंट। तो पेंट हो जाता है उस पे? ये तो मुझे मिट्टी पत्थर, जैसा पत्थर, लग रहा है। अच्छा ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर पेंट नहीं मारता हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई हम लोग आ गए अपने घर में। अरे ये ओके, ये हमारा होमसे और ये है हमारा बुंजो। बुंजो है ना ईशे? हाय बुंजो नाम है ना? पेमा नाम है इसका। हाँ चलो तो क्या ब्लैकी, हेलो। काफी शांत डॉग है ये। बहुत मजा आ रहा है इसका। अरे सॉरी ये हो गया। हाँ अमेजिंग सिटी टूर ऑफ काजा। चलो फिर देखते हैं आजम भाई की तबीयत कैसी है,
बुलाते हैं उन्हें, बर्फ में बैठने के लिए बोलते हैं। आ गया ऋषि, एक मिनट। आजम भाई आ जाओ बाहर, धूप में बैठो थोड़ी देर। चल धूप है बहुत तक भाई, बहुत तबीयत खराब है मेरी। अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, धूप में बैठोगे गर्मी आ जाएगी। यहाँ रेलिंग पे, यहाँ पे ऊपर नहीं जाने को बोल रहा। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है मेरे भाई। चलो मैं आ रहा हूँ। 9 बज रहे हैं, उठोगे नहीं तो और सर्दी जकड़ेगी यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, एक मिनट धूप में चल चलो, अगर नहीं अच्छा लगे आप वापस बिस्तर में आ जाना। यहाँ बैठे बैठे ना और ज्यादा तबीयत खराब होगी। मैं 2 मिनट नहीं दे सकता, चलो धूप में बैठो, बाहर जा रेलिंग पे बैठो। हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक मिनट के लिए धूप में बैठ के तो देखो अच्छा लगेगा। यहाँ पे टाइम टाइम पे दवाइयाँ लेती रहे और अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो डॉक्टर से बात करते रहे। यार यहाँ पे क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इसे है, इसे लेके जा रहा है हॉस्पिटल के लिए, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत होने वाली थी हम दोनों को। चलो देखते हैं, हॉस्पिटल आ चुके हैं। आराम से, पैनिक मत हो तुम, मार ये शे ये कम अप दे ना लाउडा कॉमिक गिकिन बुदेस यार। वो भी इसी कॉमिक गए थे, कॉमिक के बाद बहुत ज़्यादा इनको वो हुआ, सफोकेशन था। हम लोग कॉमिक से आए हिक्किम में, हिक्किम में हमने 2 घंटे आराम किया तो सब कुछ सही था। तो हम लोग फिर की मोनेस्ट्री गए, की मोनेस्ट्री से घर आए, सब कुछ नॉर्मल था। रात में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हाँ हमें लगा सुबह तक ठीक हो जाएगा, सुबह और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि एकदम सांस ही नहीं आ रही है इनको। ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गया इनका। अच्छा तो परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है? हाँ हाँ मास्क लगाओगे ना आप ऑक्सीजन? वो तो हम, मुझे भी लग रहा था कि ऑक्सीजन बहुत कम हो गया इनका। पानी भी पिला रहे थे टाइम टू टाइम पे, बट वही क्या यहाँ होम स्टे से इन्हीं क्या से होटल वाले तो करते ही नहीं ना। फिर आराम से नाक से सांस लो भैया, एक मिनट मैं डॉक्टर को बता दूँ। हाँ हाँ एक मिनट, उठाओ सर उठाओ ना, ये तो ज़्यादा अच्छा। रुको आप पीछे से वो टाइप करो, कौन से नाक से ही सांस लो। मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लो। अब इंक्रीज हो रहा है? होगा अभी होगा। अच्छा ऑक्सीजन ठीक हो जाए, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ही सफोकेशन है। ऐसे सारे इतने बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ऐसे रोज का। अच्छा ऐसे ही, मतलब मैम बहुत घबरा गया था मैम। ना डरने की कोई बात, ऐसे आते इसे भी। और कल एक गुजरात का एक टूरिस्ट फेंट हो गया था गाड़ी में। अच्छा अभी नहीं, वो तो इसे है, इन्होंने लेके आए, हेल्प किया, गाड़ी है इनके पास, अदरवाइज तो बहुत परेशान हो जाता है। एक्चुअली मैं भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखने वाला था बट रखा नहीं मैंने, हम लोग बाइक से ही आया ना तो। अच्छा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है अब रिलैक्स। अब देख रहे हो सांस अब आराम से ले रहे हैं यार, यही बस मैं चाह रहा था कि यही हो जाए नॉर्मल। कैसे हॉस्पिटल जाएंगे तभी तो ऐसे सांस ले रहे थे जैसे कि अगर ठीक होते तो हम लोग नीचे भी चले जाते ना तो भी नॉर्मल हो जाते, लेकिन इस हालत में ही नहीं थे कि ये उठ पाए। हाँ बाइक कहाँ चला पाएंगे? नहीं ठीक है ठीक है, जब तक हो जाएंगे कोई बात नहीं।
कितना देर लगेगा यहाँ? मतलब ये अब थोड़ा तो लग जाएगा। इतनी हालत खराब होने के बाद भी बंदे को ये टेंशन है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। डॉक्टर्स ने बोला है नॉर्मल है, ये माउंटेन सिकनेस होती है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, लोगों को अक्सर हो जाता है। कल एक आदमी आया था जो कि पूरा बेहोश था और हमारे बगल वाले होटल से ही। तो आप जब भी आए ऐसे एल्टीट्यूड में तो ज़रूर अपने पास एक छोटा सिलेंडर रखें ऑक्सीजन का। जब भी आपको सफोकेशन फील हो दो पंप लें और ठीक रहेंगे। अब ये इनको भी ऑक्सीजन ही लगाया है और कुछ नहीं किया है, ऑक्सीजन लगाया और ये नॉर्मल फील कर रहे हैं। आप कैसा फील हो रहा है आजम भाई? ठीक है अब हैं? हाथ पैर में जान महसूस हो रही है? ये बात हाँ, मैं तो घबरा गया था यार पीछे, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्योंकि कफ भी थी। अभी अभी नर्स ने बताया कि वो कफ भी इसीलिए होती है, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होता है तो फ्यूलिड भर, क्या बताया उन्हें, लिक्विड कुछ भर जाता है हाँ आपके फेफड़ों में पूरा, जिसकी वजह से कफ जैसा रियलाइजेशन होता है। तो ठीक है अब तो नॉर्मल है, अब इनकी सांसें भी नहीं लग रही हैं कफ वाली, मतलब सांस ले रहे थे तो घर घर की आवाज़ आ रही थी, तुमने तो सुना था यार, अब बिल्कुल नॉर्मल सांसें ले रहे हैं ये हाँ। तो हॉस्पिटल में आए हुए हमें हो गए हैं 5 घंटे, बट अभी थोड़ी हालत अभी भी डाउन थी, बट यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या कुछ बोलते हैं उसको, इम्यूनाइजर क्या बोला उन्होंने, हाँ तो इम्यूनाइजर टाइप का लगाया है जिससे जो छाती की कफ है वो निकल जाए। अब बोला है 1/2 घंटे बाद इनको डिस्चार्ज कर देंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं हाँ। तो आपको भी अगर कभी ऐसे हाई अल्टीट्यूड में थोड़ी भी सफोकेशन वाली दिक्कत परेशानी महसूस हो तो टाइम पे हॉस्पिटल आ जाएं और यहाँ पे ऑक्सीजन का इनटेक कर लें, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कोई बात नहीं है रिलैक्सिंग है तो आपको आगे चल के ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिसे कहते हैं माउंटेन फीवर, माउंटेन सिकनेस आपको हो सकती है। तो आप अगर थोड़ा भी अगर आपको फील होता है कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप हॉस्पिटल आके अपना ऑक्सीजन ले सकते हो हाँ। ठीक है फिर यहाँ से निकल देंगे, आज तो हम लोग आराम ही करेंगे काजा में, बाकी कल सुबह निकलेंगे हाँ। ठीक है, गुड इवनिंग फ्रॉम काजा हॉस्पिटल। अभी फिर से शाम तक है, अभी कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है भाई की तकलीफ में, थोड़ा बहुत कफ जो गली मतलब फेफड़ों में जमी है वो थोड़ा सा निकलना बाकी है, होपफुली रात भर में हम लोग ठीक हो जाएं क्योंकि कल तो निकलना ही है यहाँ से, चाहे बाइक लोड करवा के और भाई को ट्रैवलर से ही क्यों ना भेजना पड़े। मेरा नहीं लेना वीडियो है ना, हॉस्पिटल स्टाफ का ले लेते हैं। ओके अभी हम लोग वापस से हॉस्पिटल में ही हैं, थोड़ी तबीयत अभी भी नासाज है इनकी, बट थैंक टू ईशे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। आपको जब भी कभी आना हो तो सोनम होम स्टे भूलना मत, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ईशे का नंबर दे दूंगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो भाई ने जितनी हेल्प करी है ना उतना कम है, तारीफ नहीं कर सकता। ब्लैंकेट लेके अभी हम लोग आए हैं जस्ट क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, और ये यहाँ पे ब्लैंकेट्स हैं, खाना लेने सब भाई के ही एफर्ट से हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू ईशे भाई, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे दोस्त हैं, ये ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी इसी की तुम बीमार हो ना तुम तो जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, और कल तो निकलना ही है, कल जाहिर सी बात है निकलना ही है क्योंकि यहाँ पे जितना दिन रुकेंगे उतनी ज़्यादा तबीयत खराब ही होगी ठीक होने की बजाय। तो हम लोग कल निकलेंगे ही यहाँ से, चाहे बाइक हमें लोड करवा के भेजनी पड़े। अब देखते हैं कल सुबह इनकी हालत पे डिपेंड करेगा, अगर इन्हें थोड़ा भी फील होगा तो मैं फिर ट्रैवलर से ही भेजूंगा बाइक को इनकी और खुद ट्रैवल करके जाऊंगा, सोलो ट्रैवल इनको फिर सवारी से या तो बस से भेजूंगा। ठीक है फिर मिलते हैं कल सुबह की अपडेट आपको देता हूँ। अभी हम लोग लंच डिनर लेके आए हैं, करते हैं दाल और रोटी, दाल मखनी और रोटी, सिंपल सादा भोजन। तो चलिए फिर, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो अच्छा क्या ही लगा होगा, सारी प्रॉब्लम्स ही थी, मोटिवेशन तो था ही नहीं कुछ, बट फिर भी लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी यहाँ अगर घूमने के लिए आया तो उसको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कुछ गलतियाँ ना करें जिससे ट्रिप फुल्ली इंजॉय कर सकें, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना। ठीक है, ओके जी, टाटा।